साल 1947 में जब हमारे देश को आजादी मिली, उसी समय से शुरू हुई कंपनी लिबर्टी शूज उस समय की उन कंपनियों में से रही जिन्होंने अपनी एक खास भूमिका निभाई थी हमारे देश को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में। आजादी के बाद हमारे देश को भी ऐसी कंपनियों की जरूरत थी जो भारत की हो और भारतीयों के हित के लिए काम करे। ऐसी ही कंपनी रही लिबर्टी। लिबर्टी की शुरुआत रही साल 1954 में, जिसे शुरू दो सगे भाइयों ने मिलकर करा, जिसकी शुरुआत एक दुकान के रूप में हुई पाल बूट हाउस, जो कि रहे गुप्ता ब्रदर्स धर्मपाल गुप्ता एंड पुरुषोत्तम दास गुप्ता। गुप्ता भाइयों ने शुरुआत एक जूता बनाने वाली दुकान के रूप में करी, जिसे मोची खुद बनाते थे जो उनकी दुकान पर काम करते थे। गुप्ता ब्रदर्स शुरू से ही अपना खुद का बिजनेस करना चाहते थे, लेकिन शुरुआत में पैसों की तंगी के कारण वह करने में मुश्किल का सामना कर रहे थे। जैसे तैसे पैसे इकट्ठे करने के बाद उन्होंने दुकान की शुरुआत तो करी, लेकिन वह 4 से 5 जोड़ी ही जूते मोची के द्वारा बनाकर उसे बेच पाते थे, जिससे उनके घर का खर्च चल रहा था। 10 सालों तक ऐसे ही बनाकर बेचने के बाद अपने किसी रिश्तेदार की एडवाइस पर साथ काम करने के लिए और बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने कदम बढ़ाया और दुकान के बाद कंपनी बनाई 1954 में, जिसका नाम रखा लिबर्टी फुटवेयर। कंपनी की शुरुआत हुई, कुछ मशीनें खरीदी गई। कंपनी को अपना पहला ऑर्डर 50,000 जूते चेस्लोवाकिया बनाकर एक्सपोर्ट करने का मिला। 1980 के टाइम तक कंपनी सिर्फ जूतों के ऊपरी हिस्से बनाकर एक्सपोर्ट करने का ही काम करती थी, लेकिन जैसे जैसे डोमेस्टिक मार्केट में विदेशी प्लेयर्स की एंट्री होने लगी, मार्केट कंपिटिटिव बनती जा रही थी। कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई साल 1982 में। जूते शुरुआती दिनों में पॉलीयुरेथेन टेक्नोलॉजी से बना करते थे। क्वालिटी तो शूज की फर्स्ट क्लास थी, लेकिन कुछ हद तक वह कॉस्टली थे, लेकिन लिबर्टी की सेल्स में ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। इवन लिबर्टी वन ऑफ द ट्रस्टेड और फेवरेट ब्रांड बन चुका था लोगों की नजरों में। साल 1989 तक लिबर्टी 35 करोड़ की कंपनी बन चुकी थी। आने वाले कई सालों तक लिबर्टी ने काफी सब ब्रांड्स लॉन्च करे, फोस्टेन, फॉर्च्यून, ग्लाइडर्स, सेनोरिटा, टिप टॉप, विंडसोर, कूलर्स, फुटफन, वॉरियर एंड परफेक्ट। फोस्टेन पहला ऐसा सब ब्रांड बना जो फैशन कम स्पोर्ट्स की रेंज में इंट्रोड्यूस करा गया था। फॉर्च्यून फॉर मेंस फॉर्मल, टिप टॉप लेडीज के लिए जो हाई हील्स प्रेफर करती हैं, कूलर्स ब्रांड रहा सैंडल्स के लिए एंड ग्लाइडर्स टारगेट करने के लिए यूथ को। ईयर 1995 तक लिबर्टी का ब्रांड फोस्टेन लिबर्टी के लिए फ्लैगशिप ब्रांड साबित हुआ, जिसकी सेल्स रही 32 करोड़ तक। कंपनी ने 1991 में एक जॉइंट वेंचर के तहत अपनी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रशिया में भी सेटअप करी अंडर नेम मिस लिबर्टी एंड गो। लिबर्टी सिर्फ अपने आम कस्टमर्स के लिए नहीं, बल्कि इंडस्ट्रियल यूज के लिए भी सेफ्टी शूज मैन्युफैक्चर करती है। इवन उसमें लीडिंग ब्रांड के तौर पर अपने आप को एस्टैब्लिश भी कर चुकी है। लिबर्टी का ही सब ब्रांड वॉरियर इंडस्ट्रियल सेक्टर जैसे कि ऑयल एंड गैस, कंस्ट्रक्शन, स्टील जैसे बड़े सेक्टर में भी अपने शूज प्रोवाइड करता है, जो कि रगेड, लाइटवेट, हीट प्रूफ, शॉक प्रूफ, वाटरप्रूफ रहते हैं। लिबर्टी आज हर सेक्टर इंडस्ट्री में अपने बेस्ट इन क्लास प्रोडक्ट्स मुहैया कराता है। लिबर्टी आज एक ऐसी कंपनी है जिसने हमारे देश के लिए शुरू से ही एक अहम रोल निभाया है। 2008 में इकोनॉमिक टाइम्स की मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड्स की लिस्ट में लिबर्टी ने भी टॉप 100 में अपना स्थान पाया था। कभी जूते बनाने की दुकान शुरू करने के लिए भी गुप्ता भाइयों के पास पर्याप्त पैसे नहीं थे, लेकिन आज वह एक ऐसे ब्रांड की शुरुआत कर चुके हैं जिसने हमारे देश की बुनियादी माली हालत को सुधारने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। दैट्स ऑल दैट्स इन दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा।